कटनी माधवनगर थाना अंतर्गत बाईपास पे हुए अंधेरे हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने 72 घंटे में कर दिखाया। 22 सितंबर को गनियारी के दीपक तिवारी ने पुलिस को सूचना दी कि गनियारी पुल पर एक ट्रक आड़ा खड़ा, जिससे जाम का लग रहा है। मौके पर 100 डायल में आर रामेश्वर ने देख ट्रक के केबिन में एक व्यक्ति की लाश पाई गई। ट्रक के कागज से ट्रक मालिक को फोन लगाने पर पता चला कि शिवराम बाबू का है, जो जिला इलाहाबाद के मांडा थाना के तिसैन तुलापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 302 का मामला दर्ज कर जांच में लिया। पुलिस कप्तान ललित शाक्यवार ने इस गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए टीम तैयार की एवं सीसीटीवी फुटेज से ज्ञात हुआ कि आरोपी यूपी मिर्जापुर लालगंज का रहने वाला है। टीम ने संबंधित जगह छापा मारा, तब पुलिस को पता लगा कि दीपक नाम के युवक असली नाम दीपक नहीं बल्कि कन्हैया यादव है। आरोपी से पूछताछ पर पता चला कि एक बार चोरी में उसका नाम आया था, जिसके कारण में नाम बदलकर काम करता था। हत्या की जानकारी में बताया कि राम बाबू मेरे साथ अप्राकृतिक हरकत करता था, जिससे मैंने रंजिशन हत्या कर भाग गया था। संवाददाता कटनी हीरा विश्वकर्मा। बनाने की कोशिश करता था, वही रंजिश इसके दिमाग में पहले से थी और इसने मौका पाकर अपना जो वो रॉड होता है उससे उसकी हत्या कारित करके सीधा मिर्जापुर था। पुलिस ने 72 घंटे में इस सनसनीखेज अंधे कत्ल का खुलासा किया है। उसमें क्या माधवनगर सीएसपी एडिशनल एसपी जितने भी हैं, जो हमारी टीम मिर्जापुर गई थी साइबर सेल की, सभी ने बहुत अच्छा ढंग से काम किया है। इन ये सभी बधाई की पात्र हैं और इनको मेरी तरफ से से 22 सितंबर को पुलिस कंट्रोल रूम में डायरेक्ट हमारे सूचना दी कि एक ट्रक है वेस्ट बंगाल के मुंबई का, उसमें एक डेड बॉडी बनी हुई है। तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को वहाँ पर पूछा गया और जब पता किया तो पुलिस को कोई पता नहीं पड़ता था कि ये बॉडी किसकी है। जब उसने पुलिस ने तस्दीक की तो बॉडी मृतक राम बाबू की पता होना पाया गया कि इलाहाबाद के पास के रहने वाले थे। ये जो हत्या का मैटर था बिल्कुल भी कत्ल की तरह था, जिसमें जब पता किए कि हत्या के पीछे कौन से और ट्रक आ रहे थे तो पता किए कि ये किसी वहाँ पर एक ट्रक एल्यूमिनियम लेके आया था। तब उनसे बात की तो उनके जो ड्राइवर और उसका नाम भी आपको क्लीनर की गैप था, उसका ड्राइवर कैसे उसका संदेह था। जब उसकी टावर लोकेशन मोबाइल और साइबर के माध्यम से सी सी टी वी फुटेज का एक मिर्जापुर में उसका गाँव वहाँ पर एक मेडिकल टीम को भेजा गया। उस टीम के द्वारा वहाँ पर 3 दीपक थे, लेकिन एक तो एग्जैक्ट दीपक था उसके घर में जब आके उसको रक्षा में लिया तो उसके बाद से उसका मोबाइल और जो कपड़े पहना हुआ था वो बरामद हुए। उससे पूछताछ में ये बताया कि वो दीपक अपने फर्जी नाम से वो यहाँ पर आता था और उसका जो असली नाम है वो कन्हैया कुमार यादव है। जब उससे पूछा गया कि हत्या का कारण क्या है, उसने यही बताया कि जो ड्राइवर था उसके साथ गलत व्यवहार करता था, बड़ी रंजिश थी और उसी रंजिश के कारण वो नाम बदल के भी यहाँ पर। उसका तात्पर्य सीधा है कि एक सुनियोजित तरीके से उसने घटना को अंजाम देना उसके दिमाग में था और उसी प्लान के तहत उसने रॉड से उनकी हत्या खरीद की और पुलिस ने 72 घंटे में जी जाके